सूरत के कोचिंग सेंटर में हुए हादसे के बाद सभी कोचिंग सेंटरों में छापामार कार्रवाई लगातार जारी है और जांच की जा रही है, मगर जांच के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति करने का मामला भी सामने आया है। बता दें, निगम के कर्मचारी कोचिंग सेंटरों पर जांच के लिए गए और वो सिर्फ कोचिंग सेंटर संचालकों को समझाइश देकर निकल गए। कोचिंग सेंटर संचालकों का कहना है, टीम जांच के लिए आई थी और कहा है कि सुरक्षा का इंतजाम कर लीजिए, बस यही कहकर अधिकारी निकल गए। तो कुल मिलाकर कहा जाए कि निगम के कर्मचारी जांच के नाम पर खानापूर्ति कर रहे हैं। में हुए आगजनी के बाद रायपुर नगर निगम प्रशासन जागा है और आज चेकिंग करने के लिए कई कोचिंग सेंटरों में गए। तो यहाँ पे हम खड़े हैं, सीए कोचिंग चंदानी सेंटर है जहाँ पे अधिकारी आए थे। आपको बता दें कि आज रविवार है और रविवार के दिन अधिकारी कुछ समय के लिए यहाँ आए और दिशा निर्देश देकर गए हैं। मैं कैमरामैन से कहूंगा ये दृश्य दिखाएं कि कोचिंग सेंटर में अभी भी ताला लगा हुआ है। अधिकारी के मंशा पर इससे सवाल उठता है कि कुछ पलों के लिए चेक करके आना, तो वही कोचिंग सेंटर के प्रबंधन का कहना है कि यहाँ पे निगम के अधिकारी आए थे और यहाँ दिशा निर्देश देकर चले गए हैं। तो इस तरह संडे को कुछ समय के लिए आना और चेक करके जाना तमाम उनके कार्यवाही पर सवाल खड़ा करता है। तो इस तरह आप देख सकते हैं कि किस तरह से यह कार्रवाई की जा रही है, ये कार्रवाई पे तमाम तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं। कैमरामैन अखिलेश के साथ सत्या राजपूत, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर।